नमस्कार मित्रों, साथियों, दिव्यांगों के सरोकारों से जुड़े कई मामलों पे हम आपको रोज जागृत करते रहें। कभी साहित्यिक मंच प्रदान करते हैं, कभी सामाजिक मंच प्रदान करते हैं, कभी सामाजिक गतिविधियों से आपको रूबरू कराते हैं, कभी विचार विनिमय होता है, कभी सेमिनार से आपको परिचित कराते हैं, कभी स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों से आपको बात कराते हैं। आज हमारा मन है कि आपको राजनीतिक क्षेत्र पर भी ले जाया जाए। मित्रों, हमारी सरोकार जब तक संविधान सम्मत न बन जाए, जब तक संविधान तक हमारी मन की बात के अनुसार संविधान में जब तक परिमार्जन न हो जाए, तब तक हमारे प्रयोजन अधूरे रह जाते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में बहुदलीय राजनीतिक पद्धति है, हर राजनीतिक विचारधारा की मान्यता है, कहीं वाम मार्ग है, कहीं दक्षिण पंथ है, कभी किसानों की बातचीत चल रही है तो कभी जातीय आधारित आरक्षण की बात चलती है, लेकिन शारीरिक रूप से पंगुओं के, शारीरिक रूप से दिव्यांगों के, शारीरिक रूप से प्रज्ञाचक्षुओं की बात पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई राजनीतिक मंच नहीं है। मित्रों, इस राजनीतिक मंच की हमें बहुत दीर्घकालिक आवश्यकता है और इस राजनीतिक मंच को सजाने संवारने का काम और कोई नहीं करेगा। बाहर से आकर के कोई आपको नहीं देने वाला, आप में से कोई उठेगा, आपको सजग होना पड़ेगा। जब आपको कहीं पर संगठन के लिए बुलाया जाता है तो सबसे पहला प्रश्न आपका होता है कि हमें उस संगठन में जाकर के क्या मिलेगा। आपको मिलना नहीं, आपको कुछ देना है। जब आप देख करके आप कुछ संगठन को मजबूत कर पाएंगे तभी आप कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रख सकते हैं। प्राप्त करने से तात्पर्य है हमारी अस्मिता को सम्मान, हमारी जो जीवंतता है उसको स्वीकार्यता। हम दिव्यांग हैं, आज भारतवर्ष में 10 करोड़ से ऊपर दिव्यांग हैं। किन्हीं भी सरकारों ने इस बात की आवश्यकता अभी तक नहीं समझी कि दिव्यांगों को सांसद बनाया जाए, संसद में प्रतिनिधित्व दिया जाए, विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अरे नहीं, अगर वो चुनाव लड़ने के प्रतिनिधित्व दे सकते थे तो नामांकन नामित करके उनको राज्यसभा विधान परिषदों में नामांकन होता है उसमें दिया जाए। आज इन सब बातों के लिए हमें जरूरत है राजनीतिक दलों में दिव्यांग प्रकोष्ठों की, दिव्यांगों के प्रतिनिधित्व की। कुछ दिव्यांग दल भी जुड़े हैं जो चुनाव लड़ने की बात करते हैं। चुनाव लड़ने की बात करने में कितना संसाधन की आवश्यकता है, कितना हमारे समर्पण की आवश्यकता है, सबसे बड़ी बात तो है हमारी एकता की जरूरत है। इन्हीं बातों को लेकर के हमारी बीच में एक दिल्ली प्रदेश भाजपा संगठन में कार्यालय मंत्री हैं अरुण राय जी। अरुण राय जी का यही मुहिम है, जितनी बातें हमने बताई हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने का, और इस पे वो 100% खरे उतरने का प्रयास भी कर रहे हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी में, उनका तो मानना है कि सभी दलों में इस प्रकार के संगठन हों। खैर, चूंकि भाजपा के आदर्शों पे, भाजपा के सिद्धांतों पे उनका विश्वास है, उनकी आस्था है, तो इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम उसी प्लेटफॉर्म से वो राजनीतिक मंच बना करके दिव्यांगों को एक सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा अद्भुत कदम उठाना चाहते हैं। तो प्रस्तुत है आज उनके उद्बोधन का एक अंश, जो कब उन्होंने इस उद्बोधन को किया है। निश्चित रूप से ये दिव्यांगों के विषय में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीतिक मंच बनाया है। राजनीतिक मंच पे दिव्यांगों के सरोकारों को उठाने से पहले वो जो अव्यवस्थाओं पे है
वो कुठाराघात कर रहे हैं, ये उनके अपने विचार हैं। दिव्यांगम चैनल इसको इंडोर्स नहीं करता है, लेकिन उनके विचारों को हम सुने, हम अपने अपने ढंग से उन विचारों की समीक्षा करें, उन विचारों के गुण दोष का आकलन करें, उनके विचारों से सहमत असहमत होने का हमें अधिकार है, लेकिन हमें सुनना तो पड़ेगा। आज उनकी बात सुन रहे हैं, कल आपकी बात सुनेंगे, कल उनकी बात सुनेंगे, हम विविध विचारधाराओं की समीक्षा करना चाहेंगे, विविध विचारधाराओं के लोगों को हमें प्लेटफार्म देना चाहते हैं, राजनीतिक मंच देना चाहते हैं, और इसमें वाद विवाद हो, वार्ता हो, विचार विनिमय हो, समीक्षा हो। हाँ, इस विषय इस प्लेटफार्म पे हम कतई नोकझोंक लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं देते, दिव्यांगों को ही, दिव्यांगों के राजनीतिक सरोकारों को सिद्ध करने वाले राजनीतिक मंचों का आह्वान करते हैं कि वो आगे आकर के हमसे जुड़ें और अपनी बात कहें। और ये दिव्यांगम चैनल किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, न प्रतिबद्ध है। हम सभी राजनीतिक विचारधाराओं का सम्मान करते हैं और राजनीतिक विचारधाराओं में तटस्थ रहते हुए भी सिर्फ केवल दिव्यांग सरोकारों और दिव्यांग कल्याण की भावना से उत्प्रेरित हैं। लेकिन इस सबके बीच में राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र को कोई उसके ऊपर उंगली न उठ सके, इसलिए राष्ट्रीय उदात्तता को भी हम सम्मान देना चाहेंगे। राष्ट्रीय हितों के प्रति हम कोई समझौता करने वाले नहीं हैं, हम राष्ट्रीय हितों के विपरीत बोलने वालों को ये मंच नहीं प्रदान कर सकते हैं। हाँ, जो राजनीतिक दल हैं, जो सामाजिक दल हैं और दिव्यांगों के विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत है, यहां पे उनका हम सम्मान करते हुए उनका आह्वान करते हैं कि वो जरूर आएं, हमें लिखें। आज सबसे पहले हम इन्हीं राय जी से आप बात सुनिए और वो आपसे मुखातिब हैं, उनकी बातों पे आप क्या समझते हैं हमें आप जरूर लिखिएगा, हमारा ये प्रयास कैसा लगा इस पे आप हमें जरूर लिखिएगा। नमस्कार मित्रों, फिर मिलते हैं किसी राजनीतिक हस्ती के साथ। दिव्यांग साथियों नमस्कार। साथियों, मोदी जी दिव्यांगों के हित में जहां एक से एक ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं, वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी तक दिव्यांगों के हित में कोई कार्य नहीं किया है। पेंशन का मामला हो, चाहे रोजगार के मामले में, चाहे दिव्यांगों के UDID कार्ड के संबंध में, चाहे आवास के संबंध में, किसी भी संबंध में अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया है। UDID कार्ड, यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक अच्छा कार्य किया गया है दिव्यांगों के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस कार्य को दिल्ली में बाधित कर रखा है, और सिर्फ इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दिल्ली के दिव्यांग साथी हैं वो मोदी जी के जो है प्रशंसा में आ जाए या मोदी जी इसका श्रेय न ले लें, सिर्फ इसलिए वो उसको दिल्ली में लागू नहीं कर रहे हैं। साथियों, हम आप सभी लोगों से ये आह्वान करते हैं कि अरविंद केजरीवाल सरकार का विरोध पूरे दिल्ली में हर जगह होना चाहिए और आप सभी लोग एकत्रित होकर के अरविंद केजरीवाल के आवास पर उनका घेराव कीजिए। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने कोई काम नहीं किया था, इस कार्यकाल में भी कोई ऐसा दिव्यांगों के हित में उन्होंने कार्य नहीं किया है। भाजपा सरकार अगर आती तो दिव्यांगों का पेंशन 5,000 हो जाता, दिव्यांगों के रोजगार के संबंध में हम कार्य करते, UDID कार्ड को लागू करते, इसके अलावा कई हम उनके हित में कार्य करते। लेकिन मैं बड़े दुखी मन से कह रहा हूँ कि अभी तक अरविंद केजरीवाल सरकार कोई भी हित में दिव्यांगों के हित में कोई भी कार्य नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। हम सभी आप लोग मिलकर के अरविंद केजरीवाल की आवाज का घेराव करें और उनसे ये कहें
कि दिव्यांगों के हित में अगर ये सरकार फैसले नहीं लेती इसको दिल्ली से उखाड़ फेंकना है। इसके लिए एमसीडी का चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं और दिव्यांग दिल्ली के कितने भी हमारे दिव्यांग साथी हैं इस चुनाव में मोदी जी को और उनकी योजनाओं को लेकर के जो कि उन्होंने दिव्यांगों के हित में किया है पूरे दिल्ली में आप लोग प्रचार प्रसार कीजिए और केजरीवाल सरकार को एक जोरदार एमसीडी चुनाव में हमारी सरकार बना करके उनको छक्का दीजिए। आए हमारे दिव्यांग साथी भाजपा के साथ जुड़े भाजपा के साथ जुड़कर देश हित में कार्य करें। नमस्कार।